जिस गायत्री मंत्र की बात कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहूंगा स्त्रियां कर सकती हैं कि नहीं कर सकती, क्योंकि फिर वही बड़ा कंट्रोवर्सी हो जाता है, बट आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, दैट इज गायत्री मंत्र कौन पढ़ता है? तो बताया गया गायत्री सर्वोच्च मंत्र है, सर्वोच्च। अच्छा, वेद मंत्र है, तो वेद में प्रत्येक शब्द को बोलने की अपनी एक शैली है, एक लय है, ध्यान दीजिएगा, एक लय है, लय। कौन सा सर्ग, कौन सा विसर्ग, कौन सा हल, कौन सा क्या क्या लगना है। ओम भूर्भुवस्वहा तत्सवितुर्वरेण, बहुत सारी चीजें, भर्गो देवस्यः धीमहि धियो यो नः प्रचोदयातः। आप समझना मैं क्या कहना चाहता हूं। हो सकता है अभी इस समय, चूंकि मैं आपसे जस्ट चर्चा कर रहा हूं, मैंने भी पूरा शुद्ध नहीं बोला हो, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बताऊं, तो तात्पर्य मेरा कहने का है कि लिखा है कि वेद मंत्रों से छेड़छाड़ न करें। आज आपने मेरी कथा सुनी होगी, मैंने उसमें स्पष्ट बताया कि अगर कर्मकांड करते में ब्राह्मण देवता से एक श्लोक के, एक शब्द के, एक अक्षर के भी बोलने में इतना सा भी फर्क आ गया तो सत्यानाश हो सकता है। क्या हो सकता है? सत्यानाश हो सकता है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं हमारे यहां पर। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, सबसे कहता हूं, गायत्री मंत्र से छेड़छाड़ मत कीजिए, मंत्रों से छेड़छाड़ कीजिए ही नहीं। देखो प्रश्न वही है, रिलेटेड है। आज मैंने क्या बोला, 90% वेद में कर्मकांड के मंत्र हैं, है कि नहीं है? 90% है, लेकिन उपासना कांड मतलब भक्ति, भगवान को पाने के लिए वेद बता रहा है भक्ति का आश्रय लीजिए, जहां 90% कर्मकांड के श्लोक हैं, मंत्र हैं, लेकिन वेद ही कह रहा है परमात्मा को पाने का सबसे सरल साधन भक्ति है। When there is very, मतलब जब यहां पर बहुत सरल साधन आपके पास है, फिर आप क्यों जटिल में जाना चाहते हो? मैंने ये भी बताया था, कल की कथा में होगा शायद, मैंने बताया कि भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग, कल आपकी कथा सुने होंगे आप, तो बंदर का बच्चा और बिल्ली का बच्चा, बंदर का बच्चा ज्ञान मार्ग उसको खुद करना है, बिल्ली के बच्चे को कुछ नहीं करना, बिल्ली अपने आप करेगी। तो जब इतना सरल साधन हमें मिल गया भक्ति मार्ग का, तो क्यों आप इसमें जाना चाहते हैं? स्त्रियां गायत्री मंत्र के जाप की बात बताऊं, पुरुषों को गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार नहीं दिया गया सामान्य तौर पे, स्त्रियों की तो बात छोड़ दीजिए। आजकल न जाने क्या क्या हो रहा है, न जाने कितने पंथ बन गए, भगवान भला करे सबका, इसी को कलयुग कहते हैं, भगवान सबका भला करे। बट अगर मेजर पार्ट पे आप मुझसे पूछना चाहेंगे, तो ब्राह्मणों में भी जो द्विज है, जो विप्र है, विप्र पैदा होना ही नहीं, कर्मकांड करना, जनेऊ धारण करना, ऐसी विधि के बाद जो विप्र हो जाता है, उसको त्रिकाल संध्या करने वाला व्यक्ति, जो त्रिकाल संध्या कर रहा है सुबह दोपहर और शाम, जो त्रिकाल संध्या कर रहा है वही गायत्री जप करने का अधिकारी है, और नॉर्मल ब्राह्मण पंडित जो भी है वो तक नहीं है। इससे बड़ी बात मैं आपसे क्या कह दूं? मेरी बात सुनकर बहुत सारे लोगों को बुरा लग रहा होगा, लेकिन जो सत्य है वो तो सत्य है, सत्य को कोई दबा नहीं सकता कोई, क्योंकि गायत्री वेद का सर्वोच्च मंत्र है। सोचिए, वेद सर्वश्रेष्ठ, उनमें एक मंत्र सर्वश्रेष्ठ, उसको कोई भी कैसे भी कुछ भी कर लेगा। आप विचार करके देखो, आप सब बुद्धिजीव हो, पढ़े लिखे लोग हो, कॉमन साइंस की बात है यहां पर। एक एक मंत्र की अपनी एक अपना अनुलोम विलोम है, आप अपना उसका उच्चारण, उसकी शैली है, उसका भाष्य है, किसने लिखा, कौन से ऋषि ने, किस तरीके से, किस पद्धति से, कौन से काल में। मंत्र वही हैं जो सतयुग में थे, त्रेता में थे, द्वापर में थे, आज भी हैं, लेकिन बात है उच्चारण की। तो एज ए ब्रदर, भाई की तरह मैं आपको रश्मि कहना चाहता हूं कि गायत्री मंत्र से छेड़छाड़ ना करें। अब आप बात कर रही हैं हनुमान चालीसा की, तो जितना पढ़ सकते हो पढ़ो। अरे हनुमान जी, जिनकी नजर में सब मां हैं,
जिनसे श्रेष्ठ कोई ब्रह्मचारी नहीं है, तो उनकी माँ अगर उनकी चालीसा पढ़ेगी तो उनको उनको क्या दिक्कत है। दूसरी, हनुमान जी के लिए इतना लोगों ने न जाने क्या क्या कहानियां रच दी हैं अपनी दुकानें चलाने के लिए। हाँ, मैं तो यही कहूंगा, दुकानें चलाने के लिए क्या, अच्छा क्या किया क्या गया है, डराया बहुत गया है हमारी संस्कृति में, ये मत करना ये हो जाएगा, ये मत करना ये हो जाएगा, अच्छा तुम डरोगे नहीं तब तक दक्षिणा मोटी नहीं दोगे, ये भी एक बड़े रट्टा है। मुझे ये तो बताओ कि हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए किसने मना किया है, मैं तो उस एंड व्यक्ति को ढूंढ रहा हूं जो मना करके गया, आज तक नहीं मिला। लोगों ने फिजूल का प्रचार कर दिया, इतनी सुंदर सनातन संस्कृति, लेकिन दिस इज श्योर कि जो पुरुष को करना है वो पुरुष कर रहा है, जो स्त्री को करना है वो, सभी लोग अपना अपना कार्य करें। मैं आपसे कहता हूं, आपके घर में कोई काम होना है, आपने अपने बेटे को बोला बेटा तुमको ये वाला काम करना है, बिटिया को बोला बिटिया तुझे ये काम करना है, छोटू को बोला छोटू तुझे ये काम करना है, कर दिया आपने तीसरा, अब क्या करा, आप तो चले गए कहकर, ये तीनों को जो जो काम करना था वो छोड़ के ये कुछ और में लग गए, तो आप लौट कर क्या करोगे, इनको लड्डू दोगे कि रसगुल्ला दोगे, आप ना लड्डू दोगे ना रसगुल्ला दोगे, आप इनको हल्ला दोगे। ये कहेंगे देखो हमने ये काम कर तो दिया, आप क्या कहोगे, भाड़ में गया तुम्हारा काम, मैंने तुमको जो काम करने के लिए था वो किया क्या। वही परमात्मा तुमसे पूछेगा, हमसे पूछेगा, तुमने अपनी मर्जी से 50 काम किए वो छोड़ो, लेकिन जो नीति ने बताया, जो वेद ने बताया, जो शास्त्र ने बताया, जो पुराण ने बताया, जो धर्म ने बताया, तुमने वो काम किया क्या, नहीं किया ना, लग जाओ लाइन में। तो मेरा निवेदन आप सबसे, हनुमान चालीसा का खूब पूर्णता से करें, और इनके लिए मैंने आपको बोल दिया, बाकी भैया लोकतंत्र है, हम तो सिर्फ कह ही सकते हैं, बाकी तो सब जयराम जी की।